Good afternoon, guys. Welcome to this class. I hope so you are all well. आज थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हो रही है. देर आर सम टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. आज हम एक अलग से पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ने वाले हैं. उसका नाम है नेविगेशन ड्रॉअर बार. हमने कई ऐप्स में ये यूज़ करते हुए देखा है. पहले भी यूज़ होता था, अभी कई ऐप्स में ये यूज़ होता है. तो ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, क्या लेआउट्स यूज़ होते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे. तो ये कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक बार रफ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इसमें क्या लेआउट्स को हम डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले मैं पेंट खोल लेता हूँ. यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या क्या बनाएंगे. सो लेट्स क्रिएट ऑल द थिंग्स. सो सबसे पहले ये जो भी हम बना रहे हैं, सो दिस इज एंड्रॉयड नेविगेशन बार, नेविगेशन ड्रॉयर है ये. आपको अगर नहीं नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए. फाइन. सो एंड्रॉयड नेविगेशन बार हम बनाने वाले हैं. सबसे पहले आई होप सो कि आपको क्लियरली सब कुछ विजिबल है यहाँ पे. फाइन, ओके. सो सबसे पहले नेविगेशन बार को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ड्रॉयर लेआउट का यूज करेंगे. फाइन, सो मैं यहाँ बॉक्स ले लेता हूँ और कलर मेरा रेड चूज कर लेता, ब्लैक ही रहने देता हूँ. सो ये हमारे पास नॉर्मल एक एक्टिविटी है. फॉर एग्जांपल, ये एक्टिविटी हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक आती है. सो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा लेआउट तैयार करेंगे विच इज कॉल्ड ड्रॉअर लेआउट. सो ये रेड कलर का मेरा ड्रॉअर लेआउट है. मैं इसको मार्क कर देता हूँ. ये रेड कलर से जो है ये मेरा ड्रॉअर लेआउट है. फाइन, ओके. सो इस ड्रॉअर लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ साथ साथ. सबसे पहले हम एक टूल बार डिफाइन करेंगे जो कि हमने कल भी किया था. सो ये ग्रीन कलर से जो मेरा शो हो रहा है, सबसे पहले हम, क्योंकि टॉप में ये नज़र आएगा, सो ये होगा हमारा टूल बार. फाइन, उसके बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्री डॉट्स और नोचेस विच आर यूज्ड. सो वो जो तीन डॉट्स हैं उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. एक कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए. सो इट शुड बी पिंकिश. फाइन, सो एक, दो और तीन, ये हमारे तीन. ये जो है, सो दिस इज कॉल्ड द ब्रेड क्रम. फाइन, इसको बोलते ब्रेड क्रम है लेकिन हम इसको टॉगल की हेल्प से यूज करते हैं मोस्टली. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक पूरा का पूरा सेक्शन रहता है विच और विच इज कॉल्ड द नेविगेशन व्यू पार्ट. और ये नेविगेशन व्यू भी सेट ऑफ आइटम्स हैं. सो यहाँ पे हमारा नेविगेशन व्यू पार्ट रहता है. सो दिस इज कॉल्ड नेविगेशन व्यू पार्ट. ठीक है, नेविगेशन व्यू के अंदर दो चीजें होती हैं. वन इज कॉल्ड, इसका मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ ग्रे कलर से. वन इज कॉल्ड हेडर. फाइन, सो मैं यही लिख देता हूँ. सो दिस इज हेडर. ठीक है, एंड अदर आर कॉल्ड मेन्यूज. सो मेन्यूज क्या चीज हैं, ये भी एक तरह के लेआउट फाइल्स ही हैं जो यहाँ पे आपको नजर आते हैं, जिसके अंदर हम छोटे 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 यहाँ आइकन्स लगाते हैं. ठीक है, और इन आइकन्स के साथ में आगे टेक्स्ट लगा होता है.
ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ, दीज आर मेन्यू, फाइन। तो ये सारी चीजें इसमें हम यूज करते हैं। हमने क्या क्या सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी के अंदर जो ब्लैक कलर की है उसके अंदर हम पहले ड्रॉअर लेआउट बनाएंगे। ड्रॉअर लेआउट के अंदर हम सबसे टॉप के ऊपर हम बनाएंगे टूल बार। सो टूल बार के नीचे हम बनाएंगे नेविगेशन व्यू। नेविगेशन व्यू के अंदर एक हेडर होगा, एक मेन्यू होगा, ठीक है। क्योंकि टूल बार हम खुद से बना रहे हैं, सो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एंड्रॉयड का टूल बार है हम वो यूज नहीं करेंगे, फाइन। सो इसको चेंज करने के लिए हमने कल भी ये किया था, तो मैं आज भी ये करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली नेविगेशन व्यू बार कब यूज होता है, हमारे पास थ्री डॉट्स रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करते हैं तो एक स्लाइडर विंडो हमारे पास लेफ्ट साइड से ओपन होके आती है, जो कि हमें और ऑप्शंस दे देती है हमारे मेन कंटेंट के अलावा। सो मेन कंटेंट हमारा कहाँ रहेगा, तो ये हमारा मेन कंटेंट रहेगा, मैं इसको बता देता हूँ। ये जो पोर्शन रहेगा इसको मैं अलग शेप से, बेसिकली ये जो नेविगेशन व्यू है ये अलग से खुल के आता है, लेकिन ये जो पोर्शन रहेगा इसको मैं डायमंड से नोट कर देता हूँ, ये पोर्शन और इसके नीचे भी जो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा मेन कंटेंट रहेगा, ठीक है। ये है हमारा मेन कंटेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो टूल बार है इसके साथ यहाँ पे मैं और एक चीज डिफाइन कर देता हूँ एज अ पॉइंटर। सो यहाँ पे हमारे तीन डॉट रहे थे जो कल भी हमारे मेन्यूज हमने बनाए थे, सो यहाँ मैं एक से दो से डिनोट कर देता हूँ। सो दीज आर कॉल्ड मेन्यूज, ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम एक चीज और आज पढ़ेंगे नीचे, विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग एक्शन बार, ठीक है। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ अलग से, थोड़ा येलोइश कलर, तो समझ में आ रहा है। तो येलो कलर का ये जो है, ये है हमारा फ्लोटिंग एक्शन बार। बेसिकली ये दिखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, सो इसको मैं फिल कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। आई होप सो ये आपको दिख रहा है फ्लोटिंग एक्शन बार। सो फ्लोटिंग एक्शन बार में हम आइकन्स को यूज़ करेंगे और इसको भी बना के देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ये फाइनल आउटपुट में कैसी नज़र आएंगी, ठीक है। सो मैं बैक टू स्क्रीन जाता हूँ, एक बार आपको ऐप रन करके बता देता हूँ, उसके बाद हम सारा कोड क्लीन करके दोबारा से इसको कोड करते हैं, ठीक है। सो मैं रन करता हूँ, ये सारी चीज़ें अभी बंद कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैं एक एक चीज़ दोबारा करूँगा और सारी कोड आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे चलता है। सारी फाइल्स मैंने बंद कर दी हैं। ये देखिए कुछ ऐसा जैसा हमारा बनेगा, ये नेविगेशन बार है, ये हमारा टूल बार अलग से बनाया है, ये हमारे मेन्यू जो हमने कल बनाए थे, ठीक है। ये हमारा कल वाला कंटेंट है मेन कंटेंट, ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बार है जिसके क्लिक के ऊपर हम एक स्नैक बार बना के देखेंगे, स्नैक बार क्या होता है वो पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसका ये नेविगेशन ड्रॉअर है जो लेफ्ट साइड के खुल के आता है, जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। इनके क्लिक के ऊपर हमारे इवेंट लगते हैं, जैसे कॉल को क्लिक करूंगा तो कॉल मतलब हम टोस्ट कर सकते हैं या उसको कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, ये कंटेंट एरिया अपडेट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल डू इन टूडेज लेक्चर, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इसमें यूज रहेगी, सबसे पहले हमें थीम्स को चेंज करना है। थीम में हमारे पास जो लाइट हमारे पास एक्शन बार रहता है वो नो एक्शन बार होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज एंड्रॉयड आपको बाय डिफॉल्ट अपना एक्शन बार देता रहेगा, वो हमें नहीं यूज़ करना है। सो एक्शन बार हमारा नो एक्शन बार होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एक प्राइमरी वेरियंट जो है कलर का, ठीक है, वो कोई भी अपना डिफाइंड कलर ले लीजिए, क्योंकि जब भी हम एंड्रॉयड में यूज करेंगे, ये देखिए मेरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेविगेशन बार और ये जो स्टेटस बार है ऊपर, ये दोनों का कलर एक है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने नेविगेशन बार में जो कलर लिया है वो ही मैंने प्राइमरी वेरिएंट में भी डिफाइन कर दिया है, ये कलर एक्सेंट कलर। ये मेरा कहाँ डिफाइंड है, ये कलर्स के अंदर डिफाइंड है, आप कलर्स में जाके ये देख सकते हैं। FF 5F 5F मैंने इसको यूज किया है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज कर सकते हैं।
तो कोई भी एक कलर डिफाइन कर लीजिए जिसको आप टूल बार के साथ मैच करना चाहते हैं, और वही कलर आप टूल बार में भी देंगे। तो मैं सेम कलर यूज करूंगा। दूसरी चीज, ये अगर आप थीम्स में ये चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप डार्क थीम में themes.xml जो कि नाइट थीम है ये भी चेंज कर दें। तो इसमें भी आप एक्शन बार पहले नो एक्शन बार कर देंगे और कलर भी सेम दे देंगे। इससे क्या होगा, जब आपकी जो ऐप है वो डार्क मोड में किसी फोन में चलाएंगे तो भी आपको सेम लुक एंड फील देगी, सिर्फ कंटेंट जो टेक्स्ट है या उसके जो कलर्स हैं सिर्फ वो चेंज होंगे, आपके मेन कलर्स चेंज नहीं होंगे। फाइन, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा डार्क एक्शन बार में मेरे नेविगेशन बार का कलर भी चेंज हो रहा, स्टेटस बार का कलर भी चेंज, तो आप अलग से भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप डार्क थीम में अपने ऐप को कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं और लाइट को लाइट थीम में अलग दिखाना चाहते हैं। सो इट्स अप टू योर चॉइस। सो सबसे पहले हमने क्या किया, थीम्स को अपडेट कर दिया, ठीक है, फाइन। सो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करते हैं एक फाइल से विच इज कॉल्ड, ओके ये गलती से क्लिक हो गया। सो सबसे पहले एक मैंने लेआउट फाइल सॉरी एक क्लास ली, जावा क्लास विच इज कॉल्ड नेविगेशन एग्जांपल। मैं इसके ऊपर ही काम करूंगा, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होता है, नेविगेशन बार ये क्या होता है, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक करके समझ में आ जाए, ठीक है। सो मैं एक एक करके यहाँ से ये सारी चीज़ें कंटेंट डिलीट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये हम बाय डिफॉल्ट जहाँ थे वहाँ आ चुके हैं, ओके कम रह गया, फाइन। सो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक लेआउट फाइल आती है, मैं लेआउट फाइल को भी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये मेरी लेआउट फाइल थी, तो इस लेआउट फाइल में क्या क्या रहेगा मैं इसको सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो मैं ब्लैंक लेआउट फाइल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैंने कुछ मेन्यूज़ बना दिए थे, वो मैं मेन्यूज़ को भी डिलीट कर देता हूँ, नेविगेशन मेन्यू। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं ये फाइल्स रख रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा से क्रिएट ना करनी पड़े। सो डोंट वेरी, हम इसको जब बनाएंगे तब देखते हैं, ठीक है। और फॉन्ट्स तो यूज़ नहीं किए, ड्रॉएबल्स भी देख लेते हैं अगर हम यूज़ करेंगे तो। सो इट्स ब्लैंक नाउ, ठीक है। सो इसको मैं यूज़ करके देख लेता हूँ, अगर एरर ना दे तो। ये एरर देगा क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं है, इनवैलिड आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे बेसिकली यूज़ कर लिए हैं। सो मुझे इसको नेविगेशन मेन्यूज में मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ मेन्यू लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मेन्यू लिख के छोड़ दिया है। मैं रन करूँगा, इसके साथ ही मैंने एक लेआउट फाइल हेडर की बनाई थी, सो मैं वो भी चेंज कर दूँगा। हेडर है, इसको भी मैं सारा का सारा इसमें व्यू करके बंद कर देता हूं। सो एक हेडर फाइल थी, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं, ओके ये हो नहीं रहा है, मैंने इसको डिलीट किया सिंपल और डिलीट कर दिया, फाइन। उसके बाद ये एरर इसलिए क्योंकि मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, तो मुझे इसको दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट एनीवे किया, फाइन। तो ये एक एग्जाम्पल है जो बाय डिफॉल्ट उसके साथ आई थी मेरे पास एक्टिविटी के साथ, मैं इसको दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बना रहे जाऊँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल फाइल ली, सेम नेम से रखा ताकि कोई दिक्कत ना आए, कंस्ट्रेंट लेआउट अभी रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने नेविगेशन एग्जांपल को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में मेंशन किया हुआ है जो कि मेरी लॉन्चर एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई नेविगेशन एग्जांपल ही मेरी डिफॉल्ट पे चलेगी। सो जैसे ही रन किया, अभी ग्रेडल रन हो रहा है, ये पुराना ऐप है, सो इट्स इंस्टॉलिंग ऑल द थिंग्स। वाओ, बेसिकली हम नेविगेशन ड्रॉअर बार क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन कंटेंट जो हमारा डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास सभी चीज़ें हम एक जगह लिस्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए वो हम नेविगेशन ड्रॉअर में कुछ चीज़ें रख लेते हैं,
ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, मेन एक्टिविटी बिल्कुल खाली है, ठीक है। हम शुरू से बनाना सीख रहे हैं, राइट। सबसे पहले क्या बताया था कि जब भी मैं शुरू करूंगा तो देखेंगे ट्रांजिशन में आप, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ये एक्टिविटी जो ब्लैक कलर की मेरे पास आउटलाइन थी ये मेरे पास अब बनी हुई है। इसके अंदर मैं ये देखिए रेड कलर का सबसे पहले ड्रॉअर लेआउट डिफाइन करूंगा, ठीक है। ड्रॉअर लेआउट कैसे बनाते हैं, मैं दोबारा से चलता हूँ कोड के ऊपर। ड्रॉअर लेआउट बेसिकली एक लेआउट फाइल है। मैं कंस्ट्रेंट लेआउट हटा के यहाँ DRAW ड्रॉअर लेआउट लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप जैसे ही देखेंगे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू प्रिंट में ये मेरे को इतना पोर्शन पूरा का पूरा दे देता है, ठीक है। ये नीचे मेरे स्टेटस बार और ये है, तो ये चीज़ें तो, और ये स्टेटस बार और नेविगेशन बार तो अलग चीज़ है। सिर्फ जो मेन कंटेंट है वो वाइट कलर का था, वो इसने पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है। अब ड्रॉअर लेआउट में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, ड्रॉअर लेआउट के अंदर हम बनाते हैं ड्रॉअर लेआउट के अंदर एक टूल बार, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि टूल बार अच्छे से बने, तो मैं इसको पहले रिलेटिव एक लेआउट ले लेता हूँ, ठीक है। रिलेटिव लेआउट में विड्थ जो है रैप कंटेंट है, ठीक है, हाइट भी रैप कंटेंट रख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं टूल बार जो हमने कल बनाया था टूल बार बनाते हैं, ठीक है। विड्थ मैं इसकी मैच पेरेंट कर दी, हाइट रैप कंटेंट, ठीक है, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल से ही बंद कर देते हैं। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। इसको मैं रखता हूँ नेव टूल बार, फाइन। इसके साथ ही मैं ड्रॉअर लेआउट को भी आईडी दूंगा क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ ड्रॉअर, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये नज़र तो आ रहा है टूल बार, लेकिन इसका कलर जो है वो अलग है। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड है एक्सेंट, तो ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, फाइन। जो इसमें टेक्स्ट लिखा होगा वो भी मेरे को नज़र आना चाहिए। इसको मैं इसका मैं टाइटल टेक्स्ट कलर जो है वो मैं वाइट दे दूंगा, ठीक है, ताकि वो वाइट हो जाए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ओके, टूल बार इज ओके। टूल बार के बाद हमने क्या चीज़ देखी थी, क्या बनाते हैं हम टूल बार के बाद, टूल बार के बाद उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ब्रेड क्रम और ये मेन्यूज है, ये हम बाद में बनाएंगे, हमने पहले मेन कंटेंट बना लिया है टूल बार, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये मेरा नेविगेशन व्यू बनना चाहिए। नेविगेशन व्यू के अंदर दो चीज़ें और हैं, ठीक है। पहले हम ये इंटरनल चीज़ें बना लेते हैं, उसके बाद नेविगेशन व्यू को पहले नेविगेशन व्यू प्लेस करते हैं, उसके बाद ये इंटरनल चीज़ों को बनाते हैं। लेट्स गेट बैक टू कोड स्क्रीन। रिलेटिव लेआउट के नीचे मैं नेविगेशन व्यू बनाऊंगा, ठीक है। इसकी विड्थ मैं रैप कंटेंट रखूंगा, हाइट मैच पेरेंट रखूंगा, ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। इसको भी आईडी दे दूंगा, आईडी नेव व्यू, नेव अंडरस्कोर व्यू, ठीक है। नेविगेशन व्यू मेरे को नजर आया। अब मुझे इसके अंदर दो चीज़ें और प्लेस करनी है, एक हेडर प्लेस करना है और एक मेन्यूज प्लेस करने हैं। सबसे पहले जो मैंने बनाए थे मेन्यूज, इसको मैं देख लेता हूँ। ये नेव अंडरस्कोर मेन्यू एक फाइल बनाई थी जो कि मैंने अभी खाली रखी हुई थी, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। मेन्यू, ठीक है, इसके अंदर मेन्यूज प्लेस करते हैं। मेन्यूज बेसिकली प्लेस करने के लिए उसके अंदर हम दो चीज़ें देखी होती हैं हमारे पास, एक होता है ग्रुप, एक होता है आइटम। अगर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर आइटम बाई आइटम रखना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। ग्रुप में चेक्ड बिहेवियर सिंगल रखना होता है, ठीक है, अगर आप एक एक करके यूज़ करना चाहते हैं, और इसको इसके अंदर आप आइटम्स डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आइटम आईडी देनी पड़ती है, मैं एक होम दे देता हूँ, सॉरी होम नहीं, मैं इसको थोड़ा मीनिंगफुल नेम देता हूँ, नेव होम देता हूँ, ठीक है। इसके बाद टाइटल दे देता हूँ होम, ठीक है, ओके होम। उसके साथ अगर आप आइकन देना चाहें आइकन भी दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आइकन यूज़ किया हुआ है होम, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें बंद कर देता हूँ।
नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, इजीली विजिबिलिटी आपको रहेगी। ठीक है, सो एक आइटम ये थी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ओके, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, सो दूसरा मैं करता हूँ कॉल यूज़ कर लेता हूँ, और तीसरा मैं सेटिंग यूज़ कर लेता हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। सो इसका आइकन भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ, और ये सेटिंग कर देता हूँ। ये आपको राइट साइड में अभी आपको नज़र नहीं आएगा, जब आप इसको नेविगेशन व्यू में यूज़ करेंगे तब आपको नज़र आएंगे। आईडीज मैं चेंज कर देता हूँ, नेव कॉल कर देता हूँ और नेव सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक ग्रुप हो गया। अगर आप इसके अलावा अलग अलग आइटम रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आइटम के अंदर हम चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो आइटम में बेसिकली होगा क्या कि जो हमारा ग्रुप बना है, ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, इसके साथ ही साथ हम आइटम्स को भी प्लेस कर सकते हैं। फाइन, सो हम क्या करेंगे, एक आइटम लेंगे, उसके अंदर हम उसका टाइटल डिफाइन कर देंगे, लेकिन उसके अंदर हम उसको आईडी ना देंगे, दोबारा से एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो आइटम को मैं टाइटल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, ये बेसिकली यूज होगा एज अ जस्ट, इसके अंदर मैं दोबारा से मेन्यू प्लेस कर दूंगा। ठीक है, मेन्यूज के अंदर दोबारा से मैं आइटम्स दे सकता हूँ। ठीक है, सो जैसे टाइटल होगा शेयर, आईडी होगी नेव शेयर, और आइकन दोबारा से हम प्लेस कर सकते हैं, ये मैं एंड्रॉयड का आइकन ले लेता हूँ, ड्राइवेबल शेयर का मेन्यू शेयर। ठीक है, सो इसमें बंद कर देता हूँ, सिंपल एक रखा मैंने ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। फाइन, ये मैंने मेन्यूज डिफाइन कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने एक ग्रुप मेन्यूज भी लिए और सिंगल आइटम मेन्यू लिया, आप मल्टीपल आइटम्स भी इसके अंदर ले सकते हैं। सो ये हो गया मेरा मेन्यूज, और इसके साथ ही साथ मुझे एक लेआउट फाइल चाहिए होगी जो कि मेरा हेडर की तरह यूज होगा। सो लेआउट फाइल बनाएंगे, मैं इसका नाम दे दूंगा नेव हेडर। फाइन, ये सिंपल लेआउट है, सो मैं इसको लीनियर लेआउट बना लेता हूँ। ये कहाँ यूज होगा हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसका मैच पेरेंट हाइट हटा के रैप कंटेंट कर देंगे, क्योंकि पूरा हेडर हमें पूरी फाइल के ऊपर नहीं लगाना है, सिर्फ उसका कंटेंट के डिपेंड करते हैं। सो एक इमेज व्यू लगा लेते हैं, इसमें विड्थ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट कर लिया और बंद कर दिया। इसके साथ ही साथ मैं एक टेक्स्ट व्यूज लगाना शुरू करूँगा, दो टेक्स्ट व्यूज मुझे चाहिए, एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम के लिए यूज़ कर दूंगा रैप कंटेंट, और टेक्स्ट लिखना शुरू कर दूंगा, जैसे टेक्नोमाइंड्स, ठीक है, सॉल्यूशंस। फाइन, ये टेक्स्ट होगा, और ऐसा ही एक टेक्स्ट नीचे मैं यूज़ करूंगा ईमेल के लिए। सो इसमें ईमेल लिखूंगा, इट्स technominds@gmail.com। फाइन, सो ये मेरे पास आ गया। लीनियर लेआउट में एक चीज़ की कमी है कि ओरिएंटेशन मुझे इसकी वर्टिकल रखनी है। ठीक है, इसका मैंने सोर्स डिफाइन नहीं किया, सो मैं इसका सोर्स डिफाइन कर देता हूँ। सोर्स में मैं एंड्रॉयड का आइकन ही यूज़ कर लूँगा, ड्रॉयबल सर्च यूज़ कर लूँगा। फाइन, इसका हाइट मुझे थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा ताकि इतना छोटा ना आइए, सो मैं 100 dpi रख देता हूँ। ठीक है, विड्थ और हाइट भी 100 dpi। ठीक है, और इस पूरे काम में पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 20 dpi दे दिया। ठीक है, और इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, याद रखिए बैकग्राउंड वही दीजिएगा जो कि आपका स्टेटस बार का है। सो बैकग्राउंड इज एसेंट कलर, सो ये कुछ ऐसा आ गया ताकि ये दोनों में डिफ्रेंशिएट ना हो। और इसका मैं टिंट भी दे देता हूँ, टिंट कलर वाइट थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये बेसिकली एंड्रॉयड टिंट नहीं, ऐप टिंट होगा। इसको ऐप को मैं ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट कर लूँगा।
है, क्रिएट नेम स्पेस, ठीक है, ये नेम स्पेस यहाँ ऐड हो गया, ठीक है, ये हो गया एंड्रॉयड, और ये टेक्स्ट व्यूज का भी मुझे कलर चेंज करना है, सो टेक्स्ट कलर इसको मैं वाइट कर दूंगा, साइज जो है इसका टेक्स्ट साइज 20 dpi कर दूंगा, स्टाइल जो है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दूंगा, फाइन, और फॉन्ट चेंज कर दूंगा, फॉन्ट फैमिली जैसे एल्कोनिका जो मैंने लास्ट टाइम ली थी, ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, कलर जो है वाइट कर देंगे, और साइज जो है इट्स नॉट इंडिकेटर, इट्स साइज टेक्स्ट साइज उसका 20 था तो इसका 15 dpi कर देंगे, सॉरी इट्स नॉट dpi एक्चुअली, इट्स sp, इट मस्ट बी sp, टेक्स्ट साइज हमेशा sp में होते हैं, सो अगर छोटा लग रहा है इसको मैं 20 और इसको 25 कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें मार्जिन बॉटम कर देते हैं, मार्जिन बॉटम 5 dpi का, ठीक है, दिखने में अच्छा लग रहा है। सो ये हम यूज़ कहाँ करेंगे, बेसिकली ये जो हमारा नेविगेशन बार है इसका मैं हेडर लेआउट डिफाइन करूँगा, तो यहाँ मैं लेआउट के अंदर मैंने नेव हेडर बनाया वो लगा देंगे, ठीक है, लग गया, इसके साथ ही साथ मैंने मेन्यूज़ डिफाइन करने थे तो मैंने नेव मेन्यूज़ को यूज़ किया, तो ये मेरे मेन्यूज़ डिफाइन हो गए, ठीक है, अब दिखने में सुंदर लग रहा है, यस। सो एक चीज़ और इसमें, इसकी लेआउट जो है, लेआउट की ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी बेसिकली ये आता नहीं है कभी कभी, सो डोंट वरी, एंड्रॉयड अंडरस्कोर लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी इज इक्वल टू, आपने यहाँ स्टार्ट कर देना, ठीक है, ये देखिए, ये स्टार्ट में जैसे मैंने इसको देखो यहाँ से हटाया, ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में चला गया, ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से ड्रॉअर ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, सो ये विजिबिलिटी इसकी ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुकी है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है, अगर आप इसको राइट साइड से लेके आना चाहते हैं सो इट शुड बी, इट शुड नॉट बी स्टार्ट, इट शुड बी एंड, सो जब मैं एंड करूंगा तो ये देखिए लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड से आएगा, तो मैं दोनों तरीके से पहले मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं दूसरी साइड से दूंगा, ठीक है, ये हो गया हमारा नेविगेशन व्यू, ठीक है, सो हमने क्या क्या बनाया, ड्रॉअर लेआउट, उसके अंदर हमने रिलेटिव लेआउट के तौर पे हमने टूल बार बना दिया है, टूल बार के अंदर हमने मेन्यूज और ब्रेडक्रम कुछ नहीं बनाया है, इसका आईडी मैंने डिफाइन कर दी, और नेविगेशन बार में, नेविगेशन में एक हेडर बनाया, उसके मेन्यूज बनाया और उसकी ग्रेविटी स्टार्ट कर दी, ठीक है, सेम जी ये जो ग्रेविटी स्टार्ट है ये मुझे ड्रॉअर में भी यूज करनी पड़ेगी, ताकि इसको मैं, इसका होता है ओपन ड्रॉअर, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, सो ये ऐसा नजर आएगा ताकि मेरे को दिखने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है मेरे को टेक्नोमाइंड्स दिखने के बाद, सो मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा छोटा करने के लिए इसका हेडर मैं जाऊँगा, सो इसको 25 की बजाय मैं 20 कर दूँगा और इसको 15 ही रखने देता हूँ, अब देखते हैं नेविगेशन अब थोड़ा सा दिखने में ठीक लग रहा है, ठीक है, सो दिखने में सुंदर होना चाहिए, फाइन, सो ये मेरा हो गया, अब मैं जाऊंगा मेन कोड के ऊपर, ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या क्या बनाया, नेविगेशन व्यू बनाया, इसको मैं नेविगेशन व्यू लिखूंगा, उसके बाद मैंने सॉरी इसके पहले मैं लाइन बाय लाइन आता हूँ, ड्रॉयर लेआउट बनाया, सो ड्रॉयर लेआउट बनाया, उसका नेविगेशन व्यू बनाया, नेविगेशन व्यू से पहले मैंने टूल बार बनाया, सो टूल बार बनाया, सो टूल बार हो गया, ठीक है, टूल बार बनाया, नेविगेशन भी, एक चीज़ और आपको एक्शन टॉगल बटन लेना पड़ेगा, एक्शन ड्रॉ टॉगल, ठीक है, ये कब यूज होगा, क्योंकि हमने ब्रेडक्रम नहीं बनाया इसलिए ब्रेडक्रम कोड से बनता है, बेसिकली वो डिजाइन में नहीं बनता है, वो कोड में बनता है, सो कैसे कैसे बनाते हैं वो हम सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे, सो सबसे पहले मैं सबके रेफरेंसेज देता हूँ, ड्रॉ लेआउट क्या चीज़ है, यहाँ पे ड्रॉ लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट ड्रॉ, ठीक है, उसके बाद हमने टूल बार का यूज़ किया था, सो टूल बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेव टूल बार, ठीक है, उसके बाद हमने नेविगेशन व्यू लिया था, सो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आर डॉट आईडी डॉट नेव व्यू, ठीक है, और इतना हुआ, उसके बाद हम टॉगल यूज़ करेंगे, ठीक है, इससे करने से पहले मैं
टूल बार को सेटअप कर लेता हूँ। सो सेट सपोर्ट टूल बार, सपोर्ट एक्शन बार जो हमने कल भी किया था, एक्शन टूल बार हमने लगा दिया। ठीक है, आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें, इसका टाइटल चेंज करना चाहते हैं, सो टूल बार डॉट सेट टाइटल जो है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ नेविगेशन एग्जांपल, नेविगेशन ड्रॉ एग्जांपल हटा देते हैं, ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, सो टॉगल हम बाद में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल। सो इतना देख लेते हैं कि पहले एक चीज़ और, इसका कलर जो है वाइट होना चाहिए। टॉगल टूल बार डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टाइटल टेक्स्ट कलर। सो गेट रिसोर्सेज से हम डॉट गेट कलर करते हैं, तो उसमें आर डॉट कलर डॉट वाइट दे देते हैं। ठीक है, ये हमने कल भी किया था। सो पहले हम इतना चला के देखते हैं कि ये क्या आया। सो इतना चलने के बाद ओके, नेव होम इज इनकम्पेटिबल विद द एट्रीब्यूट आईडी होम, वेयर इज होम, ओके, हमने एक्चुअली आईडी की थोड़ी गलत तरीके से दी, आईडी को मैं ऐसे करके देना पड़ेगा, सॉरी गाइस। अब रन करते हैं, सो इंस्टॉलिंग लॉन्चिंग एक्टिविटी, ये कुछ ऐसा आया, देखिए नेविगेशन ड्रॉअर आया। ठीक है, यहाँ से मैं स्लाइड करूँगा, ये देखिए स्लाइड तो हुआ, लेकिन मुझे इसको यहाँ से लाना था, ये यहाँ पे टॉगल बटन नहीं है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से स्लाइड करूँगा, तो देखिए मेरे पास ये तो बन के आ गए हैं। ठीक है, होम कॉल स्टार्टिंग, ठीक है, और इसको क्लिक कर रहे हैं तो भी ठीक नज़र आ रहा है, और ये दो लाइन्स में आ रहा है, सो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा छोटा और कर देता हूँ। ठीक है, और ये बंद होना चाहिए इसके क्लिक होने पे, बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो बंद हो रहा है, लेकिन मेन्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ तो बंद नहीं हो रहा है। फाइन, सो ये एक तो ये टॉगल बटन बनाना है हमने, दूसरा इसके ऊपर काम करते हैं। सो टॉगल बटन बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉगल बनाएंगे, टॉगल होगा क्या हमारा, न्यू एक्शन टॉगल बार होगा। टॉगल बटन बनाने के लिए हमें दो स्ट्रिंग्स डिफाइन करने पड़ते हैं हमारे, इम्पॉर्टेंट इज कि हमने वैल्यूज के अंदर जाके दो स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना है, तो मैंने ऑलरेडी कर दिए नैव ओपन और नैव क्लोज। ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ओपन नैव और ओपन क्लोज होने चाहिए, इसमें कोई भी दो स्ट्रिंग्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओपन क्लोज की जगह आप स्टार्ट और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, फिनिश कर सकते हैं, कुछ भी दो स्ट्रिंग्स आप डिफाइन कर लीजिए कि वो एक ओपन के लिए डिफाइन होंगे और एक क्लोज के लिए डिफाइन होंगे, तो दो आप स्ट्रिंग्स कहाँ करेंगे, वैल्यूज के अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, सो इसको आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो जैसे टॉगल बटन में आप जाएंगे, यहाँ सबसे पहले वो एक क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, सो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, वो दिखाएगा, ये देखिए एक एक्टिविटी, मतलब करंट कंटेक्स्ट कौन सा हो रहा है, सो मैं इसका दिस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है ड्रॉर लेआउट कौन सा चाहिए, सो हमारे पास ड्रॉर बना हुआ है ड्रॉर लेआउट का। उसके बाद ये दो स्ट्रिंग मांग रहा है, तो जैसे मैंने बताया आर डॉट स्ट्रिंग डॉट एक ओपन के लिए यूज़ कर देंगे, और आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज नेविगेशन। ठीक है, तो ये टॉगल क्या करेगा, ये वो ब्रेड क्रम क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसको जोड़ना है मुझे ड्रॉर के साथ, सो ड्रॉर लेआउट डॉट सेट करेंगे हम इसको, ड्रॉर लेआउट के साथ हम इसको यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, इसमें हम यूज करेंगे सॉर्ट इसका लिसनर। ठीक है, सो डॉट ड्रॉर लिसनर हम ये यूज करेंगे, और इसमें हमें लिसनर लगाना है तो हम टॉगल लगाएंगे। ठीक है, सो टॉगल लग गया है, और इसको हम सिंक करते रहेंगे साथ साथ कि वो ओपन हुआ या क्लोज हुआ, तो हम सिंक स्टेट कर देंगे। ठीक है, सो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। अभी भी ये ओपन नहीं हुआ है,
इसको हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमें, हमने ड्रॉ लेआउट बना लिया है, टॉगल हमने कर लिया था, उसके बाद हमने ड्रॉ लिसनर बनाया था, वो हमें यूज करना था। तो इसमें कोई चीज पेंडिंग रह गई है क्या? लेट्स सी कि हम कुछ छोड़ चुके हैं। ड्रॉट्स, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी जगह पे हम इसको, जी या बिल्कुल 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 जी, यस यस यस, ठीक है। सो बेसिकली हमें सेट नहीं करना, हमें उसको ऐड करना था, तो हमने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। हम सेट नहीं करेंगे इसको, हमने क्योंकि फर्स्ट टाइम हम यूज करें तो ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हम टॉगल को, ठीक है। या सो बेसिकली ऐड ड्रॉ लिस्टनर क्या करेगा, इस टॉगल के साथ लिंक कर देगा। सो जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा, एक बार स्टॉप करके दोबारा चलाते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ लेआउट बनाएंगे, उसको ओपन स्ट्रिंग देंगे, क्लोज स्ट्रिंग देंगे, उसके बाद उसको लिसनर लगाएंगे और सिंक स्टेट करेंगे। फाइन, ठीक है। उसके बाद ये जो नेविगेशन मेन्यू है, हम इसके साथ भी काम करेंगे। सो नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर पे लगाएंगे। सो न्यू ऑन नेविगेशन, ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिस्टनर, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे इसको, बाय डिफॉल्ट हम ट्रू भेज देंगे। सो ठीक है, इसके साथ ही साथ हम इसको यूज करेंगे, बेसिकली स्विच केस लगा के देखते हैं। यस, सो आइटम्स के ऊपर हम आइटम डॉट गेट आइटम आईडी ले लेंगे, और आइटम कौन कौन से होंगे जो हम यूज कर चुके हैं। सो आर डॉट आईडी डॉट मेन्यूज कौन से थे, नेव होम था, यस नेव होम, ठीक है। इसको हम सिंपली टोस्ट करते रहेंगे साथ साथ कि कौन सा क्लिक हुआ। सो इसमें सिंपली हम होम डिफाइन कर दिया। सो होम डिफाइन करने के बाद ड्रॉ लेआउट जो है, ठीक है, उसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि ओपन होगा तभी वो क्लिक होगा। सो मैं इसको क्लोज करूंगा। इसमें मुझे देखिए ग्रेविटी कॉम्पैक्ट यूज करना पड़ेगा, ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट, इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, एस कैपिटल स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ही मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है। सो ये सेम चीज यहाँ पे मैं करता रहूंगा, क्लोज क्लोज क्लोज, ठीक है। सो होम, दूसरा था हमारा नेव कॉल सिस्टम, सो यहाँ मैं कॉल को यूज कर लूंगा और बाकी सब सेम रहेगा। इसके बाद नेव सेटिंग थी, ठीक है, यहाँ पे मैं सेटिंग लिख दूंगा, ठीक है। सो टोस्ट होगा जब भी ये कॉल होगा, रन करके देखते हैं, ठीक है। सो एक बार व्यू कर लेते हैं हम, जो हमने बनाने की कोशिश की थी कि क्या वही बना है। सो देखिए, ये जो अभी आपको मैंने पेंट के ऊपर बताया कि हमने ड्रॉ लेआउट बनाया, उसके बाद हमने टूल बार बनाया, ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ही हम यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और इसमें हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने मेन्यूज नहीं बनाया, मेन कंटेंट अभी नहीं शो किया है, ये लेफ्ट में हेडर और मेन्यूज आ गए हैं, फ्लोटिंग एक्शन बार अभी हम बनाएंगे, राइट। सो मैं इसको दोबारा से कोडिंग स्क्रीन पे लेके चलता हूँ,
सो ये देखिए आपको यहाँ से ओके होम पे क्लिक किया तो देखिए होम आ गया है, सेटिंग पे क्लिक किया तो सेटिंग आ चुकी है। देखिए जो जो भी क्लिक कर रहे हैं हम वो यहाँ पे हाइलाइटेड भी हो रहा है साथ ही साथ। प्रॉब्लम ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने कुछ जस्ट होल्ड अ सेकेंड, जस्ट जस्ट एक यस गाइस आई थिंक इसमें हमने नेविगेशन के लिए लेआउट्स बना लिए थे। ठीक है, ड्रॉ लेआउट हमने तैयार कर लिया था, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी कि हमने एक्शन जो ड्रॉ लेआउट था उसको यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमने टूल बार भी सेट कर लिया है, टूल बार के साथ ही हमें सपोर्ट एक्शन बार भी हमने उसको सेट कर दिया था, और इसके साथ ही साथ हमने एक्शन ड्रॉ टॉगल भी यूज़ कर लिया था, एक्शन बार ड्रॉ टॉगल। ठीक है, ये हमने फाइन एक्शन बार ड्रॉ टॉगल भी हमने यूज़ कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इसको कंटेक्स्ट दिया, कंटेक्स्ट के बाद ड्रॉ भी दे दिया है कौन सा यूज़ हुआ है, टूल बार भी बता दिया कौन सा है। आई थिंक हमने टूल बार दिया है, इसके साथ हमने टूल बार मिसिंग कर दिया आई थिंक, तभी ये इसके साथ अटैच नहीं हो रहा है। सो टूल बार यूज़ किया साथ में, अब मैं देखता हूँ ट्राई करके। एक पैरामीटर हमने छोड़ दिया था जिसकी वजह से हमारा आई थिंक ब्रेड क्रम्ब नहीं आ रहा था, या आई थिंक इट्स फाइन नाउ। सो हमने नेविगेशन ड्रॉअर बार में आया, ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है, ये देखिए ये आ गया है, फाइन, दिखने में सुंदर है। ठीक है, आप बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी हो रहा है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये होम पे क्लिक करूंगा, ये देखिए क्लिक होने के बाद ये बंद भी हो रहा है। ठीक है, क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका ड्रॉअर क्लोज कर दिया है। हर बार जब भी मेन्यू क्लिक होगा तो ये ड्रॉअर क्लोज होना चाहिए, ठीक है, हर बार। सो ये भी बन चुका है, कॉल सेटिंग्स हो चुके हैं, सो दैट्स फाइन। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ मेन्यूज रह गए थे तो कल हमने मेन्यूज सीखे थे। सो सिंपल कुछ नहीं करना है, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू पे जाएंगे, रिटर्न बुलियन करता है तो इसको मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, और इससे पहले मुझे इन्फ्लेट करना पड़ेगा, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट से हमारे पास मेन्यूज जो हमने पहले से बनाए हुए थे, मेन्यूज डॉट मेन्यू आइटम्स, और इसमें मैं मेन्यू पास करूँगा। ठीक है, सो इस मेन्यूज में ये मेन्यूज शो होनी चाहिए। सो मैं दोबारा रन करके देख लेता हूँ मेरे पास मेन्यू बने या नहीं बने। ठीक है, ये देखिए मेन्यूज भी मेरे पास क्रिएट हो चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सेम कलर यूज हो रहा है, ये मेन्यूज पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यूज भी आ गए। इनकी आइटम की लिस्ट मैंने नहीं लगाया, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग। ये आपका क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, अभी मैं क्रिएट भी कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इज कि ये मेन पोर्शन बचा है ये, और यहाँ एक फ्लोटिंग एक्शन बार होना चाहिए। सो सबसे पहले मेन एक्शन कंटेंट मेन्यू जो हमने ऑलरेडी कल बनाया था वो लगा दूंगा, खुद से दोबारा नहीं बनाऊंगा। सो इट्स योर चॉइस, आप दोबारा से बनाना चाहते हैं अलग से बना लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में एक फ्लोटिंग बटन बनाएंगे। सो ये कैसे बनाएंगे, हम नेविगेशन के लेआउट फाइल पे जाएंगे। सो नेविगेशन के लेआउट फाइल पे ठीक है, टूल बार बन चुका है, ठीक है, ये रिलेटिव लेआउट के अंदर लगाएंगे हम। ठीक है, सो दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ओपन स्टार्ट, ताकि मेरे को बनाना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, लेआउट, लेआउट जो हमने पहले बना रखी है, कल बनाई थी जो हमने लेआउट, ठीक है,
इसमें कंटेंट मेन करके था, यस ये ही था। इसमें लेआउट विड्थ डिफाइन कर दी, ठीक है, मैच पेरेंट कर दिया, और इसको हाइट जो थी वो भी मैच पेरेंट कर दी, ठीक है, और रन कर दिया। और ये थोड़ा सा उसको ओवरलैप कर रहा है, सो ये बिलो आना चाहिए मेरा, किसके बिलो आना चाहिए, टूल बार के, सो टूल बार के, इट्स नॉट टूल बार, इट्स नेव टूल बार, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आना चाहिए, ठीक है, विड्थ रैप कंटेंट है, हाइट भी रैप कंटेंट रख लेते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। ये मेरा देखिए वहाँ चला गया, सो मैं इसको क्योंकि रिलेटिव है सो अलाइन पेरेंट एंड कर देंगे, ठीक है, चला गया इस साइड को, अलाइन पेरेंट बॉटम कर देंगे, ट्रू हो जाएगा, ये नीचे आ गया है देखिए। और इसका जो मार्जिन सेट कर देंगे बिल्कुल साथ में नहीं अटैच होना चाहिए, सो इसको 20 dp मार्जिन दे देते हैं। ये थोड़ा सा दूर जा चुका है देखिए, मार्जिन नहीं लिया है, या मार्जिन 20 dp थोड़ा सा दूर आ चुका है देखिए। अब इसके अंदर इसका एक आइकन कोई है, आइकन नहीं तो ड्रायर सोर्स होगा आई थिंक, या सोर्स होना चाहिए, सो सोर्स करेक्शन दे दिया है, सॉरी इट्स नॉट सोर्स, ये कलर नहीं है, इसको मैं यूज़ करूँगा, कोई भी आप यूज़ कर लिए, एंड्रॉयड का ड्रॉएबल में होलो रंग लाइट कलर, इट्स नॉट कलर एक्चुअली, हमें ड्रॉएबल यूज़ करना है, सो शेयर का यूज़ कर लेंगे फॉर एग्जांपल, फाइन। और फैब जो साइज है वो नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, और इसका जो टेंट है वो चेंज कर देंगे, एक्सेंट, एक्सेंट दिख नहीं रहा है, इसको वाइट ही कर देते हैं, ये बैकग्राउंड जो है वो एक्सेंट ट्राई करते हैं, या बैकग्राउंड टेंट एक्चुअली, फाइन, सो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। बॉर्डर वेट्स अभी बाय डिफॉल्ट 0 dp कर देते हैं ताकि बॉर्डर ना रहे, लाइनिंग ना रहे इसकी प्रॉपरली, अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। और साथ ही एलिवेशन है, यस एलिवेशन इज 5 dp, थोड़ा उठा हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है, शेडो होनी चाहिए, सो इट्स योर चॉइस, सो इतना मैंने बना लिया है। सो क्योंकि मुझे इसके ऊपर काम करना है, सो मुझे इसको आईडी देनी पड़ेगी, सो आईडी इज इक्वल टू फैब मैंने दे दिया, फाइन। अब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे, सो नेविगेशन ड्रॉबार हो चुका है, सो मैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन रहता हूँ फैब, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे इसके प्रेफरेंसेस हैं, सो फैब इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट फैब यूज किया, ठीक है, और इसको मैं कहीं भी इसके आप डिफाइन कर सकते हैं, सो फैब डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, सो इसके बाद हम इसका स्नैक बार बनाएंगे, सो स्नैक बार डॉट मेक, जैसे मैंने बताया था कि आप यूज कर सकते हैं, सो इसको भी आप देखते हैं बाय डिफॉल्ट आता है या नहीं आता है, सो नहीं आता, सो स्नैक बार डॉट मेक लिखेंगे, इसके अंदर हम व्यू देंगे,
और जैसे कंटेक्स्ट देते थे वैसे कंटेक्स्ट व्यू और करेक्टर्स लिखते हैं और ड्यूरेशन देते हैं। सो इसमें व्यू के दिस कर देते हैं, उसके बाद हम करेक्टर्स दे देते हैं, ठीक है, यू कैन शेयर दिस ऐप। उसके बाद ड्यूरेशन दे देते हैं, सो ड्यूरेशन किस टाइप की होती है, लेंथ, लॉन्ग और शॉर्ट होती है, सो मैं शॉर्ट देता हूँ, ठीक है, डॉट शो कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक चीज में ड्यूरेशन डॉट इट्स नॉट लेंथ शॉर्ट, इट्स एक्चुअली इट्स आस्किंग फॉर समथिंग वी डॉट दिस वी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो वी आर यूजिंग द स्नैक बार, और ये स्नैक बार में हम क्या करेंगे, इसको हम क्लिक के ऊपर इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। सो इसके इसका हमने एक्शन सेट नहीं किया है, सो हमें पहले वो भी सेट करना पड़ेगा, सेट एक्शन। और सेट एक्शन में हम कुछ भी एक्शन रख सकते हैं, नल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, सो एक चीज़ वो रहेगी, डॉट सेट एक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसको सेट एक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप कोई भी वैल्यू दे, सेट एक्शन इक्वल टू आप नल दे देते हैं, सो ये आई थिंक अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, सो दिस ही दे देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको स्नैक बार की लेंथ ही यूज़ करनी पड़ेगी, हमने ये थोड़ा गलत किया, तो जैसे टोस्ट डॉट लेंथ है ऐसे ही स्नैक बार डॉट लेंथ का हम यूज़ करेंगे। सो व्यू का व्यू ही दे देते हैं, फाइन, व्यू हमारे पास ऑलरेडी था, हमें कंटेक्स्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सो रन करके देखते हैं। सो जैसे ही रन किया, ग्रेडल अभी बन रहा है, अभी रन नहीं किया है, सो ये हम बना चुके थे ऑलरेडी, सो ये रीलोड हो रहा है, फाइन, एप्लीकेशन चली, देखिए, ओके, ये देखिए मेरा मेन कंटेंट भी आ चुका है, क्योंकि हमने मेन कंटेंट लगाया था इसके अंदर। आप देखेंगे कि हमने मेन नेविगेशन एग्जांपल के अंदर पहले लेआउट डिफाइन करके मेन कंटेंट लगा दिया था, उसके बाद हमने ये स्नैक बार लगाया, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यू कैन शेयर दिस ऐप, तो दिस इज स्नैक बार, थोड़े टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, फाइन। सो एक ये मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ जो हमने बनाए थे, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसा, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था ऑन क्लिक लिस्ट, इस पर हम लगाते हैं, ये ड्रॉयर बार है, इसको हम क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सो फॉर द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज हम ऑन मेन्यू के ऑन ठीक है मेन्यू आई ओके ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, ठीक है, इसमें हम सेम चीज कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। सो स्विच करेंगे हम आइटम डॉट गेट आईडी से, ठीक है, वही सेम चीज़ जो हम लास्ट टाइम भी क्लिक किया हमने, केस आर डॉट आई डी डॉट मेन्यूज़ के नाम क्या था उसमें, इसके मेन्यूज़ के नाम हमें यहाँ से लेके आने पड़ेंगे, मेन्यूज़ के मेन्यू आइटम्स में से एक था M1, M2, M3, सो इसको मैं शेयर कॉन्टैक्टर लॉगआउट के लिए यूज़ करूँगा, सो M1, ठीक है, इसमें मैं टोस्ट ही सिंपली करूँगा, ठीक है, टोस्ट
ठीक है, इसमें यूज करेंगे कॉन्टैक्ट था आई थिंक, शेयर कॉन्टैक्ट और लॉग आउट। सो फर्स्ट वन इज शेयर, ठीक है, ब्रेक कर, ब्रेक था, ठीक है, ये M2 था और ये M3 था, इसमें कॉन्टैक्ट था और इसमें लॉग आउट था। फाइन, और अगर ये तीनों में से कुछ ना हो तो डिफॉल्ट चलता है, इट्स नॉट डिलीट, डिफॉल्ट इट्स नॉट डी डी ये डिफॉल्ट। सो इसमें डिफॉल्ट में हम रिटर्न ये करते हैं, फाइन, और इसके बाद रिटर्न ट्रू कर देते हैं। इस पे आप क्लिक करके देखते हैं, सो इंस्टॉल हो रहा है रन। सो अब आप देखेंगे कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी बनाया, इस पे क्लिक करने पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ शेयर आ रहा है, इसमें भी यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग आ रहा है। आप देखेंगे इस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको मैं यह क्लिक करने पर बैक जा रहा हूँ तो मेरी ऐप बैक हो रही है जबकि मेरा ड्रॉअर बंद होना चाहिए। सो इसके लिए मुझे ऑन बैक प्रेस यूज़ करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। सो अगर मेरे पास इफ ड्रॉअर लेआउट है, हमारे पास यस है, इफ अगर हमारे पास ड्रॉअर लेआउट है डॉट इज ओपन, ड्रॉअर ओपन का हमारे पास ऑप्शन है, अगर ये ओपन है, ठीक है, मतलब इसके अंदर ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी कॉन्टैक्ट डॉट स्टार्ट है, ठीक है, ओपन होगा तभी हम यूज करेंगे। अगर ओपन पे मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ड्रॉअर लेआउट डॉट क्लोज ड्रॉअर होना चाहिए और इसमें मैं ग्रेविटी फिर से कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट दे दूंगा, ठीक है। अगर ओपन नहीं है और बैक प्रेस हुआ है तो मेरे पास सिंपल जो बैक का ऑप्शन है वही यूज होना चाहिए, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस ही होना चाहिए। सो इसको यूज करके देखते हैं क्या होगा। सो जैसे मैं ओपन है, मैं बैक कर रहा हूँ तो मेरा पहले ड्रॉअर क्लोज होगा, दूसरा मैं बैक प्रेस करूंगा तो मेरा ऐप क्लोज होगी, ठीक है। सो दोबारा देख लेते हैं एक बार। सो अगर मेरा ड्रॉअर ओपन है और मैं बैक बटन दबा रहा हूँ तो पहले ड्रॉअर क्लोज होगा, ऐप नहीं बंद होगी, जबकि पहले केस में मेरा बाय डिफॉल्ट ऐप ही बंद हो जाती थी। सो सेकंड केस में अगर मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा ऐप क्लोज होगा। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कई ऐप्स को देख रहे हैं कि आप जब तक डबल टैप नहीं करते तब तक वो आपके एक्टिविटी को क्लोज नहीं करते, या फिर बैक प्रेस करने पे आपके पास एक पॉप आ जाता है, डू यू वांट टू क्लोज दिस ऐप या एग्जिट दिस ऐप, ऐसे कुछ आ जाता है, तो हम वो फंक्शनैलिटी भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आज हमने नेविगेशन ड्रॉअर बार पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने कस्टम टूल बार बनाया, टूल बार के अंदर हमने ब्रेड क्रम को कनेक्ट किया ड्रॉअर लेआउट के साथ, ड्रॉअर लेआउट के बाद के अंदर हमने सबसे पहले एक नेविगेशन व्यू लिया, नेविगेशन व्यू में हमने उसका हेडर बनाया, हेडर में मैंने इमेज ली, दो टेक्स्ट व्यू लिए और इसमें एक नाम और एक उसकी ईमेल आईडी लिखी। उसके बाद हमने मेन्यूज बनाए, मेन्यूज में दो तरह के मेन्यूज है, एक ग्रुप मेन्यूज है, एक आइटम मेन्यूज है। ग्रुप मेन्यूज में मैं सिर्फ आइकन्स और नाम देता गया और टाइटल में अगर सिंपल आइटम का हमने बनाना है उसके अंदर हम मेन्यूज बनाना चाहते हैं तो उसका टाइटल दे देंगे, ये व्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद शेयर हमने उसके अंदर टाइटल्स बनाए, फाइन, ये हमारा कंटेंट व्यू था, ये हम कल बना चुके थे, ठीक है। इसके ऊपर अभी कोई भी क्योंकि फंक्शनैलिटी वो सेम यूज़ नहीं होगी क्योंकि वो अलग जगह लेआउट, ये सिर्फ लेआउट है, इसमें फंक्शनैलिटी नहीं कॉपी हुई है उसकी, हमने लेआउट्स डिज़ाइन यूज़ किया है, कल हमने इसको लॉन्ग प्रेस के ऊपर भी काम किया था जबकि वो अभी यहाँ नहीं होगा क्योंकि कोड वो अलग फाइल में है, ये तो सिर्फ लेआउट मैंने यूज़ करके बताया, ठीक है। इसके बाद हमने मेन्यूज बनाए जो हमने कल भी बनाए थे, इसके बाद हमने इसके क्लिक के ऊपर भी ऑन ऑप्शन सिलेक्टेड मेन्यू लगाया, ठीक है, वो भी हमने कर दिया। उसके बाद हमने आज ये फ्लोटिंग एक्शन बार बनाया, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया और इसका मैंने कंटेंट चेंज किया, कलर चेंज किया, बैकग्राउंड चेंज किया, टिंट चेंज किया, शेयर का ऑप्शन रखा, उसके बाद इस पर क्लिक के ऊपर ये स्नैक बार, ये एक नई चीज़ हमने सीखी आज, ये बनाया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो
आप कमेंट कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अदर्स मे ऑल्सो यूज इट. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. फाइन, सो कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे जैसे मैंने बताया कि हम ऑफ रहते हैं, तो उस दौरान आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर जुड़े रहेंगे. आप उसमें अगर आपके इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम वहाँ रिजॉल्व भी करते रहेंगे. इसके बाद अब हम क्योंकि हमने थोड़ा सा लेआउट्स के बारे में पढ़ लिया है, थोड़ा कोडिंग के बारे में, नेविगेशन ड्रॉअर बार इस बार हमने पढ़ लिया है, ठीक है. सो अब हम थोड़ा एडवांस चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, जैसे कस्टम चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम एक और ऐप भी बनाएंगे कैलकुलेशन ऐप के लिए. तो थोड़ा सा हम डेटाबेस के लिए मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूँ करने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी बाकी हैं. सो हम थोड़ा सा टाइम और लेके और एक ऐप और डिज़ाइन करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है. सो प्रैक्टिस दिस, सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर. हम नेक्स्ट टाइम हम मंडे को मिलते हैं, तो कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है. सो वी विल मीट मंडे ऑन मंडे एट 1 PM. फाइन, so thank you all of you for joining this session. I'm closing the session now. Thank you.